अभी बाद में करेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बिजनेस है वो लेना है मैंने जी। मिलेगा सबको पॉइंट ऑफ ऑर्डर जी। जमाल रहसानी साहब, कॉल अटेंशन, आई हैव ऑलरेडी गिवन योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर जी। बहुत शुक्रिया जनाब। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, आई कांट, आई हैव टू कीप अ बैलेंस। मैं ये बातें नहीं सुन सकता। नो, आई एम नॉट गोइंग टू जी। वी वुड लाइक टू इनवाइट द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर फॉर इंटीरियर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री, स्पेशली इन नौशेरी, बलूचिस्तान, कश्मीर, सिंध, causing grave concern amongst the public. Thank you. Ji, on behalf of Minister for Interior, Law Minister, is pe ek brief statement dijiye. The Balochistan government is taking steps to punish the terrorist involved in the Noshki incident. Federal government is extending all help to the government of Balochistan through various federal institutions whenever and wherever it is required. Efforts are underway to dismantle the infrastructure of the terrorist organization in the area, sir. Isi tarah, sir, Kashmir ke hawale se bhi jo Sindh police hai, they have been engaged to take effective legal measures against the criminals in Kashmir district. The Sindh police has launched an operation in this regard, which is continuing. It is assumed that criminals will be brought to justice. Or, sir, federal government ki jo agencies hai, दोनों जगहों पे सर फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज आर ऑन देयर टोज टू सपोर्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। एंड नीडलेस टू से कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें जितनी सपोर्ट चाहिए फेडरेशन की वो दी जा रही है। ये बड़े पुराने इश्यूज हैं, वक्त के साथ साथ ये हल होंगे। बहुत शुक्रिया। रईसानी साहब, एक सवाल कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जैसे आपको पता है कि नौजवान को आपने मौका दिया है, उम्मीद है कि आगे भी नौजवानों को मौका देंगे। जनाब स्पीकर, आज से एक क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए इनको। जी जी, क्वेश्चन इज जनाब स्पीकर, हम जब बलूचिस्तान से निकलते हैं तो हम अपने, शायद यहाँ पर किसी ने कफन देखा नहीं है, हम अपने घरों से निकलकर कफन बांधकर सरों पे निकलते हैं। तो द क्वेश्चन इज, द एनिमी हैज क्लियर प्लान्स विच इज टू सबोटेज द पीस ऑफ बलूचिस्तान, विच इज टू, अल्लाह फॉरबिड, टू सेपरेट बलूचिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान जी, to derail our youth from us. What is the question? The question is, what plans do we have for the enemy, Janab Speaker? Ji, Law Minister sir, on behalf of Interior Minister. Thank you so much, Mr. Speaker. Sir, dekhiye, ye ek do roz ki kahani nahi hai. Unfortunately, pichle char dahaiyon se Pakistan dehshatgardi ke nishane pe hai. Aur isme अगर हम अपनी याददाश्त पे ज़ोर दें तो इसी ऐवान में सिक्योरिटी ब्रीफिंग करवाई गई गुज़िश्ता हुकूमत, जिसकी तरफ से आज नुमाइंदगी हो रही है उधर मेरे खड़े दोस्त, और वो दहशतगर्द जिन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने पेश करके और अपने बेटों के खून बहा के उन दहशतगर्दों को मुल्क से बाहर धकेला था, उन्हें हज़ारों की तादाद में लाकर वापस लाकर आबाद करवाया गया और एक बार फिर एक्सपोज कर दिया गया पाकिस्तान के मासूम शहरियों को कि उनके कश्तो खून से खेला जाए। गवर्नमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। एक दफ़ा दे चुका। सिक्योरिटी अदारे, हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों के शाना बशाना इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं। हम रोज़ देखते हैं कि जिस तरह हमारे खूबरू नौजवान वर्दी पहन के मुल्क की सरहदों की और अंदरूनी सरहदों की और खलफशारों की कलाकुमी की कोशिशें कर रहे हैं और जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, सर ये ज़ीरो इसमें टॉलरेंस है। और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हुकूमत का ये अज़म है कि हमने दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने और दहशतगर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। जी असद आलम नियाजी साहब, एक सवाल कीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने मुझे मौका दिया। मेरा एक क्वेश्चन है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट कश्मीर एंड जैकबाबाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जी सर, हमारे यहाँ आए दिन मर्डर्स, किडनैपिंग्स और रैंसम की कॉल्स आ रही हैं। हमारी बिजनेस कम्यूनिटी और मिनॉरिटीज़ बहुत खौफजदा हैं। जी सवाल क्या है? सर सवाल ये है कि इस टाइम वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है मगर पुलिस को वहाँ पे मिलिट्री ग्रेड वेपन्स की ज़रूरत है, विच इज़ अ प्रोविजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट।
एंड साथ ही साथ सिंस कश्मीर इज अ ट्राई बॉर्डर एरिया तो वहां से जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो क्रिमिनल्स एस्केप टू पंजाब और टू बलूचिस्तान सो वी नीड अ कलेक्टिव एंड अ नेशनल पॉलिसी ऑन दिस शुक्रिया जी मजारी साहब मैंने तो असद आलम नियाजी साहब का नाम लिया था तो आप खड़े हो गए जी मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए ऑपरेशंस हैं वो जाहिर है सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है और सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां का एहसास करते हुए कमाका उस पर अपना काम कर रही है वजारत दाखला की बिल्कुल क्लैरिटी है इस पर कि जिस किस्म की सपोर्ट दरकार थी दरकार है और दरकार होगी विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ एंड रूल्स फेडरल गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और करती रहेगी जहाँ तक ताल्लुक है मिलिट्री ग्रेड वेपनरी या आर्मामेंट्स और जो व्हीकल्स हैं उनका उसके लिए एक प्रोसीजर है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंगेजमेंट होती है और फिर फेडरल गवर्नमेंट उसे करती है कई ऐसे मौके आए जब ज़रूरत महसूस की गई लेकिन ये इसका इस्तेमाल सर बड़े एहतियात के साथ और एक रूल्स और प्रोसीजर्स के तहत होता है जैसे गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट आती है सर उसको एग्जामिन किया जाता है लेकिन मैं फिर बात ख़त्म करते हुए बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट 100% सपोर्ट फराहम कर रही है और करती रहेगी व्हेन एवर दे आर सॉट फर्दर हेल्प वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी जी असद नियाजी साहब एक सवाल कीजिए जनाब स्पीकर थैंक यू सो वेरी मच जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये प्रोविंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लेकिन हम उनको फुली सपोर्ट करेंगे सर मैं ये समझता हूँ और मेरा क्वेश्चन भी यही है कि ये जो नौशकी में ईद के तीसरे दिन जो वाकया हुआ है ये रात के टाइम बसों से उतार के वो शनाख्ती कार्ड चेक करते रहे और जो लोग पंजाब से थे उनको मारा गया सर ये हमें देखना है सवाल आपके ये क्या? सवाल मेरा ये है सर ये इतना आसान नहीं है वी हैव टू गो इन दी डीप रूट कॉज और वो हमें फेडरल लेवल पे जाना होगा बिकॉज ये मैं ये समझता हूँ कि ये जब इंडिया में इलेक्शन होता है तो हमारे यहाँ टेररिज्म की हिस्ट्री उठा के देख लें कि ये टेररिज्म की एक वेव आती है व्हाट इज द क्वेश्चन माय क्वेश्चन इज कि फेडरल गवर्नमेंट शुड गिव अ इंटरनेशनली दिस थिंग कि ये ईरान जो इंडिया है उसकी जो एजेंसी है रॉ की ये सब कुछ वो करवा रहे हैं सर और हमें अपने फॉरेन ऑफिस को ये हर जगह पे वेदर इट्स अ यूएन वेदर इट्स अ डोकेना जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उसके सामने ये पॉइंट लेके जाना चाहिए दूसरी बात सर अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के 30 कौंसलेट हैं सर क्या वो कौंसलेट जो बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं वो कुछ टूरिज्म के लिए बनाए गए हैं 30 ये इंडिया के अफगानिस्तान के अलावा किसी मुल्क में इतने ज्यादा नहीं है तो आई थिंक वी नीड थैंक यू मिनिस्टर वेरी वेरी क्लियरली मिनिस्टर लॉ पर्सनल एक्सप्लेनेशन जो पाकिस्तान में हुकूमती निज़ाम है वो आईने पाकिस्तान के तहत चलाया जाता है उसमें रूल्स ऑफ बिजनेसेस हैं एलोकेटेड एरियाज हैं मैंने सिर्फ ये कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर प्राइमरीली सूबों की जिम्मेदारी है और फेडरल गवर्नमेंट हर वक्त दस्तयाब है एज एंड वेन रिक्वायर्ड और फेडरल गवर्नमेंट ने कभी कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया वो सिंध हो पंजाब हो बलूचिस्तान हो खैबर पख्तूनख्वा हो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है वो मौजूद है और मौजूद रहेगी दूसरी बात जो कही कि टेररिज्म जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर उसकी स्पॉन्सरिंग होती है जब भी सर किसी इंसिडेंट में ट्रेसेस मिलते हैं तो उसका एक तरीकाकार है वजारत खारजा ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज वो उस मुल्क के फॉरेन
जो एनवाई हैं हमारे मुल्क में सफ़ीर हैं उनको बुला के एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, और यही सर एक तरीक़ाकार है जो कि राइज है पूरी दुनिया में। दूसरी बात मोअज़्ज़ज़ फाजल रुकन ने की, अफ़गानिस्तान में जो काउंसिल खाने खुले हुए हैं नेचुरली ये एक सॉवरन स्टेट है अफ़गानिस्तान, और उसका एक दूसरी सॉवरन फॉरेन स्टेट के साथ किस तरह का वो रिश्ता ताल्लुक़ रखना चाहते हैं ये डिसीजन उनका है। जब वो पाकिस्तान की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी की हद तक थ्रेटनिंग बनते हैं तो पाकिस्तान फ्लैग रेज करता है और हम अप्रोप्रिएट फोरम पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी शुक्रिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मूव आइटम नंबर 3। स्पीकर, टू अमेंड द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2018, whereas it is expedient to amend the National University of Technology Act 2018, 6 of the 2018, the manner and for the purpose herein after appearing it hereby enacted as follows, shortlist and comment. The act shall be called National University of Technology Amendment Act 2023. It shall become into force at once. Ji, aap order of the day bas padh dein, theek ho gaya ji. A bill to amend the National University of Technology Act 2018, the National University of Technology Amendment Bill 2024 stands introduced. On behalf of Minister for Foreign Affairs, Law Minister Sahab, item number 4 move kijiye. I, on behalf of Minister for Foreign Affairs, beg to lay before the National Assembly the apostille ordinance 2024 number 1 of 2024 as required by clause 2 of article 89 of the constitution of Islamic Republic of Pakistan. The apostille ordinance 2024 ordinance number 1 of 2004 stands laid. Azam Nazir Tar Sahib, minister for law, to move item number 5. Sir, I beg to lay before the National Assembly the annual report 2022 of the Election Commission of Pakistan as required under subsection 2 of section 16 of Elections Act 2017. The annual report 2022 of the Election Commission of Pakistan required under subsection 2 of section 16 of the Election Act 2017 stands laid. Alia Kamran Sahiba to move item number 6, calling attention of the Minister of Petroleum Division. जी शुक्रिया स्पीकर साहब। जी मैं वज़ीर बराए पेट्रोलियम डिवीज़न की तवज्जो आवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाऊंगी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक है। जी,